हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो के शेयर प्राइस पे। फ्रेंड्स, इसमें हमें कल तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है। आज कैसा मूवमेंट इस स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा, क्या इसके सपोर्ट रहेंगे, क्या इसके टारगेट रहेंगे, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो तेजी का रीजन समझते हैं। आप सभी ने ये न्यूज़ सुनी ही होगी कि भाई जो पेटीएम है वो अपना फिल्म और कौन सा एक मतलब जो बिजनेस है वो जोमेटो को सेल कर रही है। तो ये बिजनेस सेल कर रही है, कहीं ना कहीं अपने जो काम है उससे बढ़ा रही है, जिससे कि इनकी रिवेन्यू जनरेट हो आने वाले टाइम में। भाई इनकी रिवेन्यू अच्छी आए और काम भी इनका बढ़े, ये मतलब इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस वजह से आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पे फ्रेश बाइंग का बढ़िया मौका है? तो भाई मैं आपको बता दूँ, अभी फ्रेश बाइंग का बढ़िया मौका नहीं है। पहले ही पी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। देखो, पी का मतलब ये नहीं कि ख़राब है, लेकिन सिर्फ ये है कि भाई स्टॉक ओवरबॉट जोन में है अभी भी, और पी रेशो भी काफ़ी हो रखी है। ठीक है, इसका ये रीजन है, इसीलिए मैं फ्रेश बाइंग के लिए मना कर रही हूँ। अगर भाई ये स्टॉक 208 का ब्रेकआउट करता है ना और कन्फर्मेशन देता है तो ले लेना आप। अब कहोगे कि जब पहले ही ओवरबॉट हो रखा है तो क्यों ले हम, तो भाई इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 208 के बाद गिरावट आने की संभावना है, ब्रेकआउट के कोई चांस नहीं है, बहुत ही कम चांस है ब्रेकआउट के। बाकी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, कोई और ऐसी पॉजिटिव न्यूज आए तो ब्रेकआउट हो भी सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फ्रेश बाइंग का अभी कोई माहौल नहीं है। हाँ, आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो 208 तक। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप अपने पोर्टफोलियो से मतलब प्रॉफिट बुक कर सकते हो, हटा सकते हो कुछ क्वांटिटी। 208 का मेरा टारगेट है, अगर ब्रेकआउट होता है तो भाई ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे तो जहाँ तक लग रहा है यहाँ से गिरावट आने की संभावना है। बाकी आप भी कमेंट कीजिए, आपके भी एनालिस क्या कह रही है। यहाँ पे अगर गिरावट देखने को मिली कल तो इसका जो सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा 186 का, सेकंड रहेगा 173 का, जो कि एक सपोर्ट जोन है। काफ़ी दिन से मैं आपको बता रही हूँ सपोर्ट जोन के बारे में, और मैंने ये भी बताया था भी स्टॉक अप ट्रेंड में तो है। अब बाकी आपको मैंने टारगेट भी दिया था कि 208 तक जाने की संभावना है, यहाँ पे भी अगर आप पोजीशन बनाते हो तो शॉर्ट टर्म के टारगेट आपको बता दिए थे। बाकी न्यूज़ पॉजिटिव थी, इसीलिए पॉजिटिव माहौल देखने को मिला था। हो सकता है कि भाई इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी अब देखने को मिल जाए, क्योंकि न्यूज़ क्या है, एक या दो दिन ही पॉजिटिव माहौल बनाती है, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है। आपका क्या कहना अभी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन्वेस्टमेंट से पहले खुद के एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है।